कुछ है ही नहीं तो गांव हमारा क्या मानेगा। क्यों, वहां तो लोग मानते, पूरा गांव उसको मानता है ना। उसका गांव मानता नहीं है, गांव तो उसका दब्बू है। अच्छा, वो कहते हैं कि शक्तियां हैं बाबा के पास, चमत्कार है बाबा के पास। गांव भी नहीं मानता है उनका, गांव भी नहीं मानता, एक भी कैंडिडेट नहीं मानता है, बस डरता है उनसे। अच्छा, डरता है उनसे। आपका गांव और उसके गांव की बीच की दूरी 200 मीटर के आसपास, बस बस इतना ही। उनका पूरा गांव मानता है, आपका पूरा गांव नहीं मानता। नहीं, नहीं, नहीं मानता। क्या वजह आप मानते हैं, क्यों नहीं मानते आप? ये तो पुलिस ने भी सस्पेंड किया गया है, और आकर इसने स्टार्टिंग में पब्लिक इकट्ठी की, गांव की, और 4-6 एजेंट इधर उधर के थी, यहाँ पर शोर शुरावा करने लगे, मतलब कहने को जय बाबा की, जय बाबा की, अर्रड़ कर दिया धीरे धीरे। मतलब एजेंट आते थे बाबा के? एजेंट बाबा के शुरू से ही एजेंट, और ये क्या सेवादार क्या एजेंट है। ये लोग क्या करते हैं, कहते हैं यहाँ पैसा नहीं चढ़ता है या चढ़ावना नहीं चढ़ता, ये सब गलत बेवकूफ़ी बात है। एजेंट लोग जे जगह भी जगह से अपनी जिस बस है भर भर के लाते हैं, उनसे चंदा लेते हैं, पूरा पैसा लेते हैं, खुद भी लेते हैं, और यहाँ भी आश्रम में जो अध्यक्ष वगैरह आयो कमेटी है उनको सौंप देते हैं पैसा। और तभी, और ये बाबा के पास कहाँ से आया पैसा भाई? ये बिल्डिंगें बनी हुई हैं, कोठियाँ सी, ये कहाँ से आया पैसा भाई? जमीन भी खरीदी गई है, कुछ कब्जा भी किया गया है। स्कूल उस स्कूल का तो काफी दिन बाद छोड़ा है ये कब्जा इन्होंने। कब से किया था कब्जा ये? ये लगभग 20 साल तो हो गई होंगी। 20 साल हो गई, 20 साल तो हो गए। 20 साल से कब्जे वाली जमीन में इतना बड़ा जो महल जैसा बना दिया। तो क्या कोई शक्ति वगैरह? जो कोई भी शक्ति नहीं है, एक जातवाद का एकता मान लीजिए उनमें, सब कुछ मान लीजिए। अच्छा, पब्लिक को बेवकूफ बनाना है, अन्यथा कुछ नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ, ये विषय भूत का कोई इसके पास मंत्र है जो पब्लिक को मोह लेता है, पब्लिक उसी के ही कहे पे चलती है। बहरहाल हमारे गांव पर कोई असर नहीं है उसका, कभी कुछ नहीं माना, कुछ नहीं, कोई भी हमारे गांव वालों ने माना। आपका गांव नहीं मानता तो उसको? और पहली बात, ये खीर वगैरह दूध में नहाने के बाद बनाना, प्रसाद बांटना, तो कौन खा लेगा, कौन ले लेगा? आप, आपके सामने ही किसी को नहला कर, और कहाँ कहाँ से दूध जा रहा है, और खीर बनाकर वो प्रसाद में वितरण की जाए, तो कौन खा लेगा आप? लेकिन उनके भक्त खा लेंगे भाई, हम तो लोग थोक नहीं खा लेंगे, जो मानता वही खाएगा, वही खा। उनके भक्त तो कह रहे हैं कि बहुत चमत्कार करते हैं, बाबा का जो पानी है वो भी चमत्कारिक है। सब गलत हो आप, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर हर नल में वही जल है, जमीन से ही निकल रहा है वही जल है सर। नल तो काफी गड़े हैं, ये तो ना के बाद वो एक फेमस कर दिया है, जो उसमें जो आश्रम में अंदर उधर वाले में जो गड़ा है वो नल फेमस कर दिया है, जो स्टार्टिंग में सबसे पहले वो समर गड़ी वहाँ पे, समर बन मतलब कहने को, वो फेमस कर दिया है। और फेमस तो किया ही जाता है, क्यों किया जाएगा कि वो जोले चमत्कार कुछ फेमस से दिखाया नहीं जाएगा तो पब्लिक आएगी कहाँ से? पाखंड शब्द सब कुछ वही पाखंड, सब पाखंड है, टोटल पाखंड है, कुछ नहीं उसी में वो अपने भक्त बनाए हुए हैं और सब कुछ किया हुआ है। और एजेंट तो एक नहीं है, काफी एजेंट। कैसे करते हैं ये एजेंट काम? अब ये एजेंट हैं, जगह भी जगह के एजेंट हैं, वहाँ की पब्लिक को इन्होंने बताया ऐसे ऐसे बात है, ये बात है कि वहाँ बाबा का के भी यहाँ कर तो मानते भी नहीं है, यहाँ क्या कहते हैं कि वो उसमें कुआं में पैदा हुए थे, कुआं में, और जबकि साक्षात सबको मालूम है कि नन्ने इनके पिताजी हैं, तीन भाई है, भगवान सिंह, राकेश और सूरजपाल, ये तीन भाई हैं। माँ खत्म हो गई, उसमें भी नहीं आए, क्यों नहीं आए? जिसने जन्म दिया उसके भी नहीं आए, बोलिए जो बहन चो राम, श्री राम भगवान है, अपनी पर माँ को मानते थे, और जिसने जन्म दिया उसको भी नहीं माना, उसको भी देखने नहीं आए, अंतिम संस्कार भी करने नहीं आए, तो ऐसे इंसान को क्या मानोगे? भाई खत्म हो गया, भाई के वहां में नहीं आए, तो मतलब पाखंडी, बिल्कुल पाखंड। कई लोग करते हैं, अगर संगत में बैठते हैं तो अपने परिवार को छोड़ देते हैं, बाबा ऋषि मुनि सब करते थे, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने किया? नहीं,
ऐसा कुछ नहीं। और ये सब ड्रामा करने के बाद ही ये सब ड्रामा किया इसने, वो किया, तब तो ये सस्पेंड ही किया गया वहाँ, और आने के बाद ही सस्पेंड होने के बाद ही इसने ड्रामा चालू कर दिया जेल से निकलते गए, क्योंकि जेल में भी तो गया वो उसका बलात्कार का लगा केस था। तो ये बताइए कि जो आपका पूरा गांव है कितनी आबादी है इसकी जो नहीं मानने वाले हैं? हमारे गांव में लगभग 1000 तो पब्लिक हो गई है, कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता। स्टार्टिंग में एक दो बार गए लोग, देखा क्या है क्या नहीं, जब जान लिया कुछ नहीं है फिर कोई नहीं है, कोई नहीं है। लाखों लोग तो अभी भी आते हैं इनके वहाँ पर, आते हैं आने के लिए। तो देखो अब हम भी लोग जाते हैं कि तीर्थ स्थान में, कि फलानी जगह साहब वो है वे, तो हम तो भी जाते हैं, दूर वाले तो आएंगे यहाँ पर, चलो बाबा का चमत्कार देखे आए या वो देखे आए, परमात्मा तो मान लो। इनके गांव के लोग तो कहते हैं कि वो भगवान का रूप है। नहीं, गांव के कुछ नहीं कहते, गांव के तो एक सिर्फ डर से कहते हैं, बाबा के सिर्फ डर से। अगर बाबा की कहीं में नहीं चलेंगे वे लोग तो शायद है कि वो इन लोगों का भी मर्डर ही करा देंगे। ऐसे बाबा गुंडा मानिए, ये बाबा वैसा बाबा नहीं है, गुंडा स्टेज में जब मंच में बैठे तो आप देखिए, जब बोलता है भाषण पूरे अपने प्रवचन से देता है तो एकदम वो गड़बड़ बड़बड़ करता है, वो समझ ले पूरा बुमानी उसे। ये नहीं है कि वो संत होता है, शांति से बात करे, संत शांति से समझाए, उसे संत कहते हैं, वो ही संत रूप होता है, वो तो उसे भगवान भी कह लो चाहे कुछ कह लो। इसे कैसे कह सकते हैं हम, पैंट शर्ट टाई कोट जूता में भगवान राम भी मंच पे तो जूता पहन के, ये पूरा बूट पहन के बैठता है मंच में, तो इसे क्या मान सकते हैं? ये तो इसे अहम अहंकार और कुछ नहीं। बाबा की सेना भी चलती है बताते हैं, कौन सी सेना है वो साथ में चलती है? आर्मी है ये पूरी, एजेंट है, सेना है ना कुछ नहीं है, आपको बता दिए सब एजेंट है टोटल। अच्छा, सब एजेंट है, यही घूमते रहते हैं सब। सब ये भी कई बार ये भी सामने आया है कि बाबा जो है, बाबा के सत्संग में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा है। देखो महिलाओं की तो हर जगह होती है, कुल मिलाकर हम तो ये जानते हैं, यही नहीं महिला तो हर जगह, जहाँ के तीर्थ स्थल देख लीजिए आप या कहीं अंधविश्वास देख लीजिए, सबसे ज़्यादा महिलाएँ ही बढ़ावा देती हैं। अब क्या मतलब वो है जो पैरों की मिट्टी के स्कूल के यहाँ ग्राउंड तो हो गया, महीना में एक आध ठेली मिट्टी पड़ाव करती थी, और मिट्टी सब औरतें ले जाओ करती वहाँ से, उसी जगह पर प्रोग्राम होया करता था बाबा का सत्संग पहले। अच्छा। सब मिट्टी वहाँ से धीरे धीरे भर जाती थी, सब लेडीज ले जाती, और पानी, और इतना तो झूठ बोलते हैं जो एजेंट आए के कि कुछ कहो मत। एक तो बात कह रहा हूँ कि मेरे खेत में सरसों बोई तो वो कुछ नहीं, झाँके ता पेड़ थे, मैं एक टीन यहाँ से पानी जल ले गया बाबा का, और वो पूरे खेत में छिड़कवाया तो इतना सरसों हुई कि कुछ कहो मत। ऐसे तो झूठ बोलते हैं, और कहाँ तक आदमी झाँको तो विश्वास करे, वो करे वो कैसे भाई, सुबह हर वक्त देखने वाला कैसे विश्वास कर सकता है ये चीज़। क्या नाम आपका? मेरा महेंद्रपाल सिंह नाम है। मंदिरपाल जी, ये बताइए कि बाबा सूरजपाल का जो गांव है, आश्रम है, बिल्कुल आपके घर के बगल में है जी जी, और वहाँ लाखों लोग आते हैं, आप लोग जाते हैं वहाँ पर? साहब मैं बताऊँ आपके लिए, शुरू से ही बता रहा हूँ आपको, जब से मतलब इसकी शुरुआत हुई थी, इनका यापन कुछ नहीं था, झोपड़ी भी नहीं थी, एक जैसे कांस गुंदरा काट कर छप्पर डाल लेते हैं वहाँ, एक तालाब था GS, वो भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, कब्जे में दबंगई की वजह से धीरे धीरे इनकी उन्नति बढ़ती गई, जैसी मतलब जनता आजाद बढ़ती गई तैसी मतलब ये अपनी जबरी से कब्जा करते गए जगह का, उस बहादुर नगर में GS जगह उन्होंने घेर रखी है, वो GS जगह है वहाँ पे घेर रखी, जो चौकी बनी है पहले नंबर, लेटरिन वगैरह बनी हुई हैं, वो भी GS ही है, सरकारी जगह है, वो कब्जा कर रखा है उन्होंने, हाँ चकोट वगैरह भी उन्होंने घेर रखा है। और इनका तो यहाँ पर कुछ नहीं, जो पहले पुलिस में थे, इनके पास कोई बच्चा नहीं था, बच्चे के लिए जहाँ धन कितना भी हो आपके पास, बच्चे के लिए आप धरती के छोर पर बताओगे तो वहाँ तक इंसान जाएगा, पता नहीं इनके पूर्व कर्म थे इसलिए कोई संतान इनके लिए ना मिली, तब ये कहीं गए होंगे
बच्चा की खातिर मतलब हर जगह या तो पैसा की कमी नहीं थी इनके पास, जब पुरुष में थे, पुरुष वालों के पास क्या कमी है। तो उसके बाद में जहीं इन्हें कहीं कुछ नहीं मिला, तो आने के बाद हमने कहा आप कुछ नहीं कर सकता हूँ, सत्संग ही में पड़ जाऊँ, तो ये सत्संग करने लगे। धीरे धीरे करते रहे करते रहे। तो इन्होंने अपने आगे और लोग आते थे, तो इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे बाबा जी का जन्म किसी की माँ के कोख से जन्म नहीं हुआ है, ये कुएं में पैदा हुए हैं, मकंड के पूरे के ऊपर पैदा हुए थे, बाग था उनका गांव के बगल में ही। अच्छा हाँ, उसमें कुआ बनाता हुआ था कि उसमें पैदा हुए हैं। किसने कहा ये सब? ये हाँ आया करते थे उन लोग, जनता आते थे, वो गा गा करके कहते थे यहाँ पे। तो हम उस समय पे हम ही देखे, चलो पड़ोस की बात है, हम भी गए थे इनके सत्संग में, यहाँ के तहाँ गए थे, तो यहाँ मटाना पड़ता है मनोपुर के पास में, वहाँ हम गए ट्रैक्टर लेके हमारे गांव से गए, तो वहाँ पे देखा क्या है, वहाँ दूध इकट्ठा किया गया, तो बाबा को भाई जी को दोनों को नहलाया गया उस दूध में। दूध में नहलाने के बाद में उस दूध की खीर बनाई गई थी, खुद आँखों से देखा हमने, तो वहीं से हमारी इच्छा हट गई, ये मतलब बाबा नहीं है, ये बवाल है, ये समझ लीजिए। वहीं से हम लोग, हमारा पूरा गांव देखने के बाद में हमारा गांव हवन उस पास पर नहीं जाता है। फिर तो इन्होंने अपना आडम्बर रच दिया है कि पैर में पद्म दिखाते हैं, कि उंगली में चक्र दिखाते हैं, कि मैं विष्णु अवतार हूँ, कि मैं ये गांव भस्म कर दूंगा, कि वो गांव भस्म कर दूंगा, दबंग ही दिखाते हैं कि मैं मरवा दूंगा। किस गाँव गए? चुरूला में गए थे, तो वहाँ भागवत हुई थी, तो वहाँ चुरूला में कह के आए, नेक चिड़ गई हुई, पता नहीं किस तरीके से खाना खिलाने के चक्कर में उन्होंने तो किसी मेहमान को बुलाते हैं तो अच्छे से खिलाते हैं, तो वो जिद बढ़ गए कि चुरूला को भस्म कर दूंगा, एक महीने के अंदर सप्ताह के अंदर भस्म कर दूंगा, अभी तक भस्म नहीं हुआ साहब, वो चुरूला अभी तक साबित है। कब की बात है ये? शुरू नंबर की बात है सर, शुरू से शुरू। अब तो साहब वहाँ कोई आदमी है उनके अपोजिट भी बोल जाए शायद उसको, ये वहाँ के लोग ऐसे लोग हैं मतलब उसको रात में उठा ले जाएंगे, पता नहीं लग जाएंगे। अब तो वो हालत कर रखी है कैसे आप, क्योंकि आपके बगल वाला गांव है, फिर आप लोग कैसे इन लोगों से बात करते हैं आप लोग? शुरू नंबर में इनका नाम था आप ही निराकार आप ही साकार, तो निराकार में जो हमारे अंदर सांस चल रही है ये निराकार है, साकार में ये हमारा शरीर तन आ गया। तो ये भगवान है, किसी को जो मृत्यु हो जाती है तो उसको जिंदा करके दिखाते हैं, हम मान लेंगे इनके लिए भगवान है ही हमारे लिए, तब तो हम माने इनके लिए, ऐसे कैसे मान ले, हम तो मानेंगे अपने जो हमारे माता पिता जो हमने जन्म दिया है हम उन्हीं को मान सकते हैं, वही हमारे भगवान है, वही जो सब कुछ है हमारे लिए। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि ये सब पाखंड है? ये सब कुछ पाखंड है। अच्छा ऋषि होता है, ढूंढोगे जंगल में ढूंढोगे तो कहीं मिलेगा, बड़ा मुश्किल से मिल पाएगा, ऐसे आडंबर नहीं रचेगा। जो ज्ञानी पुरुष होगा सौ में जब कल ढूंढोगे, हजारों में ढूंढोगे, तब एक मिल पाएगा आपको।